लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किए। लखनऊ के रामाबाई अम्बेडकर मैदान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के स्थापना दिवस पर ओम प्रकाश राजभर ने महारैली का आयोजन किया। रामाबाई अम्बेडकर मैदान में ओम प्रकाश राजभर के पहुंचते ही लोगों के अंदर जोश भर आया। ओम प्रकाश राजभर की महारैली ग्रामीण छोड़ो समाज जोड़ो के नारे के साथ शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ सरकार को समर्थन दे रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर प्रदेश के गाजीपुर के जहुराबाद से विधायक हैं। वे सरकार में दिव्यांग कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री भी हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ अक्सर ही बयानबाजी के लिए विख्यात ओम प्रकाश राजभर की आज की रैली पर राजनीतिक दलों की निगाह लगी है। उनकी रैली में आने के लिए लोग कल रात से ही लखनऊ में एकत्र थे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम तो गरीबों के गुलाम हैं। अमित शाह और योगी ने पिछड़े दलितों को धोखा दिया है। इस्तीफा देने के मन बना करके यहाँ लोगों को जुटाया। जनता का जो फैसला वही करूँ, जो जनता का फैसला आया है। कल को ये हमको ये नहीं कह सकते कि आप हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। 16 महीने में जो हमने संघर्ष किया इनके सामने रखा है जी। आपके सामने लोगों ने कहा कि नहीं अभी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं जी। लेकिन मैं तो बार बार अपील किया कि ये मानने को तैयार नहीं है। ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़े हैं। हम मंदिर मस्जिद नहीं चाहते, हम शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, हम नौकरी चाहते हैं। अब तो आपके साथ पिछड़ा वर्ग दलित सब लोग साथ में हैं। अब आपकी लड़ाई और मजबूत होगी सरकार के इनके हक के लिए, जैसे आप पहले आवाज उठाते थे, अब इससे ज्यादा उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, हम इनकी लड़ाई लड़ते हैं। कल अमित शाह बिहार में थे, उन्होंने नीतीश कुमार से गठबंधन करके सीट का बंटवारा कर लिया है। उत्तर प्रदेश में भी आने वाले हैं, आप कितनी सीटों में लोकसभा चुनाव उनके साथ लड़ेंगे? अभी कुछ फैसला बनाया आपने? अभी जब चुनाव का बिगुल बजेगा तो देखा जाएगा। ओके, धन्यवाद।